Hi friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Vinay Pandey and you are watching VTech Engineering Solutions, the engineer's choice. And today's topic is oblique projection. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन, जिसमें दो वीडियोस ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं, फर्स्ट ऑर्थोग्राफिक, सेकंड पर्सपेक्टिव. नाउ इट्स टर्न टू ऑब्लिक प्रोजेक्शन. आइए देखते हैं क्या है ऑब्लिक प्रोजेक्शन. बेसिकली क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का 3D प्रोजेक्शन होता है, बट वो स्पेसिफिक होता है कि कितने एंगल पर वो टिल्ट किया है ना. इसमें क्या है, जो फ्रंट होता है वो तो एज अ फ्रंट हम रखते हैं, जो हमारा साइड व्यू होता है उसको 3D व्यू में 45 डिग्री पर इंक्लाइंड करके उस प्रोजेक्शन को हम दिखाते हैं, है ना. तो साइड व्यू हमारा 45 डिग्री पर जब होता है तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है, है ना. और ये 3D व्यू का एक प्रोजेक्टिव व्यू है, जो 2D के प्रोजेक्शन के रूप में हम दिखाते हैं, है ना. आइए डायमेंशन समझते हैं कि कैसे आता है. देखिए, टाइप्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं और ये है क्या. फर्स्ट देखिए, मैंने बात किया था आपसे कि जो फ्रंट होता है, फ्रंट क्या होता है, उसकी ट्रू लेंथ होती है, है ना. ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की ये फ्रंट की बात करूँ तो ये ट्रू लेंथ है. अगर 10x10 सेंटीमीटर है तो 10x10 सेंटीमीटर हम इसको रखेंगे. और जब ये डिग्री 45 डिग्री नहीं है, है ना, अभी हम 45 डिग्री बात कर रहे थे, वो एक स्टैंडर्ड है, बट ये डिग्री 0 से 90 डिग्री तक हो सकती है, बट स्टैंडर्ड 45 होता है. फुल स्केल सपोज करिए ये 300 mm है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 300 mm हम इस स्केल को लेंगे, देन इसको हम बोलेंगे कैवलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन, है ना. सेम है, फ्रंट को ट्रू रखेंगे, डिग्री 0 टू 90 डिग्री, और ये जो लेंथ है हमारी, इसको अगर हम हाफ रखते हैं, है ना, 200 mm है, तो अगर हम 100 mm का स्केल रखेंगे इसमें, तो इसको बोलते हैं कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन. जनरल ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या है, बस हम ट्रू जो है साइज रखते हैं फ्रंट साइजेस को, डिग्री वेरी करती है 0 टू 90, बट ये जो साइड का प्रोजेक्शन और टॉप का प्रोजेक्शन है, इसकी जो लेंथ है ये डिफाइन नहीं होती है, है ना. इसको कुछ भी रख सकते हैं, मतलब फ्री हैंड है, हम कुछ भी मान सकते हैं इसको, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा.